কেমন আছো পারো? बहुत दिनों बाद मिले हम, पलट कर देखोगे नहीं मेरा चेहरा। दिन तुम्हारे लिए दिन होंगे, मेरे लिए तो 10 साल 6 महीने 4 दिन और 3 महीने। तुम्हें हम कभी याद नहीं आए? हाँ पर झूठ, 10 साल और सिर्फ 5 चिट्ठी। साल में मौसम भी 4 होते हैं, कम से कम हर मौसम की 1 चिट्ठी तो लिखी होती। अब कुछ समझदारी की बातें करने लगी हो, तुम बड़ी हो गई हो पारो। अगर सागर सामने हो तो झरने को नदी बनने में क्या देर लगती है? तो फिर अपना चेहरा दिखाने में इतनी देर क्यों? आज इतने सालों बाद ही चांद खिला है, डर था कहीं ये तुम्हारे होश न उड़ा दे। इतना गुरूर तो चांद को भी नहीं। कैसे करता उस चांद पर दाग जो है। तो ठीक है बारा, आसमान में चांद खिलने के बाद ही देखेंगे तुम्हारा चेहरा, देखे कौन होश उड़ाता है, उस चांद का नूर या तुम्हारा कौन। पारो, तुम्हें कोई और छुए मुझे अच्छा नहीं लगता। चांद जमीन पर कैसे उतर आया? तुम्हारी होश उड़ाने। ये क्या है? अपना अंदाज आजमा रही हूं। ठीक रहा, गलत हो ही नहीं सकता। क्यों, तुम्हें बचपन से जो जानती हूं। या ये क्या है? थाली। थाली है, मुझको भी मालूम है, लेकिन इसमें है क्या? बहाना। ए, मेरे लिए संदेश है ना, देख लो। ये तो खाली, इसीलिए तो बहाना है बुद्धू। अरे बाबा, एक तो राग रूठना तो कोई तुमसे सीखे देव, बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो। तुम भी तो बिल्कुल वैसे की वैसी हो। कैसी? कमार। हाँ, अब तो हम सब गवार ही लगेंगे ना, लंदन से जो पढ़कर आए हो। वैसे लंदन बहुत बड़ा शहर है ना देव? लंदन की बात ही कुछ और है, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी सड़कें, बड़ी इमारतें, एंड ट्रफाल्गर स्क्वायर, पिजन्स।
कबूतर रानी का महल और जिधर देखो बस चहल पहल. डू यू नो पारो, लंदन के लोग अपनी दुनिया में ही मस्त है. और तुम? ऑफ कोर्स यू आर सो सिली. मेंशन नॉट. अच्छा देव एक बात बताओ, तुम्हें कभी गांव की याद नहीं आती थी? कभी नहीं, कभी भी नहीं. कभी 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 मैस का खाना खा के दिल उब जाता था तो माँ की रोटियों की याद आ जाती थी, बस दैट्स इट. वहां कोई डांटता था लंदन में तो बाबूजी की याद आ जाती थी, और कुछ नहीं. शाम को घूमने को निकलता था तो धर्मदा की बड्डी की, और रात को नींद नहीं आती थी तो बड़ी माँ की थप किया, बस. देव और और क्या? मैं कभी नहीं. एक बार हल्की सी तुम्हारी कभी याद नहीं आई पारो? सच देव, मैं कभी याद नहीं आई? बात तो वो याद रहती ना पारो जिस बात में कोई बात हो, लेकिन तुम में तो कोई बात है ही नहीं ना. सच कहा देव, बात तो सिर्फ तुम में है. या इसीलिए तुम्हारी लिखी उन 5 चिट्ठियों को दिन में मैं 5-5 बार पढ़ती थी, तो साल में कितनी बार पढ़ ली होंगी देव? अगर और 10 साल में तो 2 बार से उसको अगर 18,250 बार. और तुम में इतनी बात है देव कि 10 साल पहले तुम्हारे नाम का दिया जला था मैंने और उसे आज तक बुझने नहीं दिया. वो कितने घंटों से चल रहा है जानते हो तुम? अगर हम हिसाब लगाएंगे तो 87,600. और तुम्हें इतनी बात है देव कि दिन के हर पल में मैं तुम्हें याद करती थी. दिन में पल कितने होते हैं देव जानते हो? मुझे पता है, मैं बताता हूँ. हिसाब के बड़े कच्चे हो तुम. ए पारो, एक बात होती थी तब तुम बहुत याद आती थी. कब? जब जब मैं सांस लेता था तब तो. इश. या तो वो आते जिन्हें बुलाया जा सकता हो. कमाल, कितनी आसानी से गिनवा दिया कि तुम्हें हर पल मेरी याद आती थी, लेकिन ये नहीं सोचो कि उन पलों में बीतता तो मैं दिया तुम जलाते थे पर जलता तुम ही था. क्यों? साथ होती हूँ तो बदनामी का भी नहीं. तो तुम इस वक्त यहाँ पर क्यों आई हो? नदी सागर से मिलने क्यों जाती है? सूरजमुखी हमेशा सूरज की तरफ ही क्यों देखता है? और ये पारो, अपना स्वाभिमान, अपनी कुल की मान मर्यादा, सब कुछ छोड़कर रात के इस वक्त अपनी देव के चरणों में जगह मांगने क्यों आती है? इन सारे सवालों का सिर्फ एक ही जवाब है देव. जवाब तो एक है पारो, पर सवाल बहुत सारे हैं. कोई सवाल नहीं जब तक हम दोनों साथ हैं. और यही तो वो लोग नहीं चाहते. तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी खुशी. पर पारो, बाबूजी इस रिश्ते को हमारी नजरों से नहीं देखेंगे. हम उन्हें मना लेंगे. अगर वो नहीं माने तो? जहां प्यार होता है वहां परवाह नहीं होती देव. जहाँ आग होती है वहां पर धुआं तो उठता है ना पारो, और मैं नहीं चाहता कि हमारे परिवारों के बीच में लगे इस आग के धुएं में
हम दोनों खो जाए। खोना तो हर हाल में है देव, या तुम्हारे साथ या तुम्हारे बगैर। चलो तुम्हें घर पहुंचा दो। साथ चलोगे? बदनामी से डर नहीं लगेगा? कार्य जाने पर तो कुत्ता भी उस चौखट पर वापस नहीं आता। जब दिन के उजाले में बात न बनी तो रात का सहारा लिया तूने। खुले आम कोठा क्यों नहीं खोल लेते तुम मां बेटी? ऐसा मशवरा तो बाजार में खड़े होने वाला तल्ला भी अपनी बेटी को नहीं देता बाबूजी। देव! अब जाने भी दीजिए ना बाबूजी, छोटी सी बात का इतना बड़ा तमाशा क्या बनाना। वैसे पारो की इस शॉल का क्या करें? कह दो इसे जाकर लौटा आए, ये रिश्ता नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं करूंगा। डोंट फॉरगेट योरसेल्फ देव। तुम भूल रहे हो तुम किसके साथ बात कर रहे हो। एक सर फिरे जमींदार से जो दूसरों के घर की बेटी को कोठे पर बिठाने की बात करता है। शरीफ घराने की लड़कियां रात के 2 बजे पड़ोसी के लड़के के कमरे से नहीं निकलती। दे कितना मजबूर होगा उसका प्यार, और उसे मजबूर आप लोगों ने किया। बस, मैं तुम्हारी कोई बहस नहीं सुनना चाहता। मैं भी आपसे बात नहीं करना चाहता। फाइन, फैसला हो चुका है। केस इज डिसमिस्ड। आई ऑब्जेक्ट। डोंट यू रियलाइज हमारा कुल उनसे कई गुना ऊंचा है। आई ऑब्जेक्ट। फिर भी खाते तो आप रोटी है ना। हमारा मान मर्तबा ओहदा इतना है, आवर फैमिली स्टेटस, अंग्रेजी सरकार तक हमारी खबर पहुंचती है। आई ऑब्जेक्ट, क्योंकि चलते तो आप जमीन पर ही है ना। आसमान में उड़ते पंछी और पानी में तैरती मछली के बीच में कभी कोई रिश्ता नहीं हो सकता। आसमान में बसे भगवान और जमीन पर बसे इंसान के बीच में रिश्ता तो दिखा है ना। आई सेड आई ऑब्जेक्ट। कर चल दिए पिया, क्यों बुझा दिया क्यों? देव, अरे बंधु सोया नहीं? अरे क्या आपको हमारा घर पराया लगता है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है चुन्नी बाबू, बस यूं ही नींद नहीं आई। ओ, ये लो नींद। आप जानते हैं मैं शराब नहीं पीता। अरे तो बात क्या है, जहां खर से खुश होकर जीना चाहिए वहां खर से इतने खामोश बैठे हो। अरे खर से इतने खोए खोए हो कि पता ही नहीं चलता कि आप घर पे हो। ऐसी कोई बात नहीं है। माँ बाप से झगड़ा हुआ है क्या? नहीं। तो क्या गुस्ताख दिल की सजा भुगत रहे हो? वही तो दस दिल होता है, दस दर्द होता है। इन दोनों का रिश्ता बहुत करीबी होता है बंधु, बहुत करीबी। आपको कोई दुख नहीं? ये तो हंसता हुआ चेहरा है जो लोगों को नजर आता है। आप तो जानते ही हो परिवार में है कौन? सिर्फ मैं और मेरी दौलत। इसलिए तो संगीत को गोद ले रखा है, ठुमरी को बेटी और दादरा को बेटा बना रखा है। दादरा द, ये द बड़ा पेचीदा है। दस दिल भी होता है, दस दर्द भी होता है, दस दुनिया भी, दस दौलत भी, दस दस्तूर भी, दस दौसक भी, दस दुआ भी, दस दये भी, दस दोस्त भी, दस दीवाना भी। अब दस ये दीवानापन छोड़ो दोस्त, और चलो दस कहीं दूर चलते हैं। यहां दस मेरा तम खुटा जा रहा है। चुन्नी बाबू, कहां चलोगे? जहां जाना चाहो। जहां रोज रहता हूं वहां चलो। चम 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 तमन्नाचंद भाई जी, देखो हम किसे लाए हैं आपके महफिल में। किसे लाए हो अपने साथ? हमारे मित्र हैं, लंदन में साथ पढ़ते थे।
अरे कहाँ खो गए देव बाबू, आओ ना, ये भी तो हमारी एक महफिल है। आओ बंधु, अरे आओ। चंद्रमुखी, आपके घर का आईना हमारी सूरत ना देख सका, नुकसान हो गया आपका। हर दुख आने वाले सुख की चिट्ठी होती है देव बाबू, और हर नुकसान होने वाले फायदे का इशारा। वाह चंद्रमुखी वाह, आज तो आपकी बातें भी अंगड़ाइयां ले रही है। वाह वाह वाह, खूब मिष्टी। ये काजल का टीका भी लगा लीजिए आपा, कहीं अजनबी की नजर ना लग जाए। बड़ी हंसी आ रही है आपको? हाँ हाँ, जब बाजार में बैठने वाली औरत नजर ना लगे इसलिए काजल का टीका लगाती है, जबकि वो चाहती है कि सबकी नजर उस पर टिकी रहे। यूं नजर की बात की और दिल चुरा गए, हम तो समझे थे बुध, आप तो धड़कन सुना गए। देखा दे बाबू, हमने कहा था ना कि जैसे चंद्रमुखी है जैसे चमत्कार भी। जैसे चुन्नी बाबू भी तो होते हैं। जैसे चमत्कार जैसे चंद्रमुखी, देखा बना गई ना वो जैसे क्या कहते हैं, जैसे जैसे।